नमस्कार दोस्तों, शिक्षा नगरी में आपका स्वागत है। आज हम आपका कंप्यूटर अवेयरनेस का टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन्होंने टेस्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है उनको लिंक यहां पर आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरे टेस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है। तो अगर आप कंप्यूटर में ओपन कर रहे हो तो आपको नई टैब में ओपन हो जाएगा, मोबाइल में ओपन करोगे तो वो रिडायरेक्ट होके आपके गूगल क्रोम में ओपन होगा, ठीक है। इस तरह का पेज ओपन होगा, आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आप एकदम करेक्ट ही डालें, क्योंकि जब आप टेस्ट सबमिट करोगे तो उसकी एक कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे जाएगी, ठीक है। फिर आप उसका अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, लास्ट में आप अपनी सिटी और स्टेट का नाम लिख सकते हैं। लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी एकदम एक बार चेक कर लेना, क्योंकि आप अगर लास्ट में सबमिट करोगे तो उसकी एक कॉपी, टेस्ट की एक कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन शो हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है GUI का विस्तृत रूप, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर है अपने पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये होता क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने होते हैं वो दो तरीके से उनमें इंटरफेस होता है। एक तो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम अभी यूज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मुझे कुछ ओपन करना है, जैसे मुझे फायरफॉक्स ओपन करना है तो डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गया। मतलब फायरफॉक्स को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मेरे सामने एक छोटी इमेज है, इसको वैसे आइकन बोलते हैं, इस पर डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गया। ये तो हो गया अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं कंप्यूटर से बात करने के लिए मुझे कोई फ़ोटो या वीडियो या फिर कुछ भी ग्राफिक सामने दिख रहा है उससे मैं कंप्यूटर को रन कर रहा हूँ, पहला तरीका तो ये हो गया। और हम इसको दूसरे तरीके से करें तो उसको बोलते हैं CUI, मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस, उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस कैसे, इस तरह से मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। अब यहाँ से मुझे फायरफॉक्स ओपन करना, तो कैसे करूँगा, मैं इसको कमांड दूँगा एक स्टार्ट फायरफॉक्स, ठीक है, इंटर दबाते ही ये फायरफॉक्स ओपन कर देगा। तो मैं कंप्यूटर को ग्राफिकल तरीके से भी चला रहा हूँ और ये कमांड लाइन या फिर आप करेक्टर यूजर इंटरफेस बोल सकते हो, इस तरीके से भी दोनों काम हो रहे हैं। तो ये दो तरह के इंटरफेस होते हैं अपने कंप्यूटर में नॉर्मली, ठीक है। तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के इंटरफेस यूज करता है, पहला तो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि फायरफॉक्स को डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गया। ये तो हो गया अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन या फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI ही बोलते हैं उसको ज़्यादातर, कमांड लाइन इसको कम यूज किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका CUI की फुल फॉर्म बताइए, तो करेक्टर यूजर इंटरफेस इस तरह से होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको GUI की फुल फॉर्म बताइए कमांड लाइन के लिए, यहाँ से मैं अगर ओपन करूँ तो इस तरह से, या फायरफॉक्स की जगह मैं VLC ओपन करता हूँ तो VLC लिख दिया, इंटर दबाया, ये अपना VLC ओपन हो गया। तो ये हो गया अपना करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकंड नंबर है HTTP का विस्तारित रूप है। HTTP का विस्तारित रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ना चौथे नंबर का। वैसे HTTP होता क्या है, HTTP होता है अपना जो हम ब्राउज़र, ये जैसे अपने पास ये क्रोम ब्राउज़र है, यहाँ पे हम क्लाइंट हो गए, ये google.com है, ये कहीं सर्वर है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो आदान प्रदान होता है ना, उसके जो रूल होते हैं वो HTTP के अंदर आते हैं, कि हमने गूगल को यहाँ पे कुछ सर्च किया, जैसे यहाँ पे इंडिया सर्च किया, ठीक है। तो ये एक HTTP रिक्वेस्ट गई गूगल के पास, ठीक है। फिर उसने जो अपने को HTTP रिस्पॉन्स दिया, इस प्रोटोकॉल के तहत जो रिस्पॉन्स दिया वो ये है, ये अपना रिजल्ट हो गया। तो जो बीच में जो रूल काम करते हैं उनको हम
HTTP प्रोटोकॉल बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सेकंड का अपना आंसर हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। भाई इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? जैसे लिनक्स है, अपने जो मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम आता है ना, आप उसमें देखोगे तो नीचे लिखा होगा पावर्ड बाय लिनक्स, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ है, मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये विंडोज 10, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस, जो भी एप्पल के फ़ोन आते हैं या फिर कोई उसका लैपटॉप आता है, उसमें मैक ओएस यूज किया जाता है। जैसे ओएस 10, ओएस 10.1, इस तरह से उसकी सीरीज चलती है। विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज 7, 8, 10 इस तरह से चल रहा है, और लिनक्स की इसी तरह से एंड्रॉयड अपना चल रहा है। ठीक है, लास्ट में है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर मतलब जिसमें टेक्स्ट वर्ड वगैरह का काम होता है, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, सॉरी एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, इस तरह के सॉफ्टवेयर। तो अपना आंसर क्या होगा, वर्ड प्रोसेसर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मीडिया कागज़ पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण है। अब इस क्वेश्चन की क्या हिंदी बना के ऐसी तैसी कर दी इसने। ठीक है, ये अगर इंग्लिश में होता तो अपने को अच्छे से समझ में आता। मीडिया कागज़ पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण कौन सा है? इसका आंसर होगा OMR शीट। मतलब OMR शीट पे हम पेंसिल से जैसे आंसर देते हैं तो उसको रीड कर लेता है वो OMR, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसको आप क्वेश्चन को समझने के लिए आपको आंसर देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल स्कैनर, यहाँ से आपको क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया लगेगा कि पूछ क्या रहा है। वरना मीडिया कागज़ पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण क्या है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं समझ में आएगा। यहाँ OMR से समझ में आ जाएगा कि पेंसिल से हम एग्ज़ाम में निशान लगाते हैं, उस राउंड सर्कल को भरते हैं, तो वो OMR शीट होती है, तो इसका आंसर OMR होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? यूटिलिटी प्रोग्राम मतलब जैसे आपके पास अपना फ़ोन आता है तो उसमें पहले से कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अपना हो गया कैलकुलेटर हो गया, अलार्म हो गया, कैलेंडर हो गया, इस तरह से, तो वो क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम में आते हैं। इसका सिंपल सा आपको डिफरेंस करना है तो ये देख लेना कि पहले से कौन सा प्रोग्राम है। जैसे वायरस स्कैनर है, ये मैंने विंडोज इंस्टॉल किया तो इसमें विंडोज़ डिफेंडर नाम से एक एंटीवायरस आता है, तो वायरस स्कैनर इसमें पहले से है। डिस्क डिफ्रेगमेंट, ये भी इसमें पहले से है। डिस्क क्लीनअप मतलब उसको साफ करना, बेकार की फाइलें डिलीट करना है। मैं आपको ये तीनों चीज़ें दिखा देता हूँ। वायरस स्कैनर अपना आता है डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हो पीसी को अपने। स्कैन नाउ स्टार्ट करते ही ये वायरस स्कैन करने लग जाता है। ठीक है, दूसरा है डिस्क डिफ्रेगमेंट। डिस्क डिफ्रेगमेंट को आप किस तरह से समझोगे, जैसे अपने पास कोई लाइब्रेरी है, उसमें किताबें अव्यवस्थित रूप से पड़ी हुई है, मतलब 1000 किताबें हैं अपनी लाइब्रेरी, 5000 किताबों जितनी कैपेसिटी है, लेकिन वो 1000 किताबें भी उसमें ज़्यादा लग रही है। क्यों? सही तरीके से नहीं जचाई हुई है। अगर हम उसको सही तरीके से जचाएंगे तो 1000 की जगह गिरेगी, अब वो 5000 की जगह भी हमें कम लग रही है। तो अपनी डिस्क में अगर फाइलें ऐसे अव्यवस्थित पड़ी हुई है तो उसको डीप फ्रेगमेंट करके हम उसको सही कर सकते हैं। तीसरा है डिस्क क्लीनअप। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो अवांछित फाइलें हैं जिसका कोई काम नहीं है, जैसे मैंने कोई वेबसाइट ओपन की, मैं कुछ सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी कैचेज फाइलें, कई तरह की फाइलें जो इसमें सेव रहती हैं उनका कोई काम नहीं, बस हो गया यूज होना, तो उसको क्लीनअप कर सकता है। लास्ट में आता है MS Excel। ये तीनों चीज़ें तो PC में पहले से आती है। MS Excel अपनी एप्लीकेशन है जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में फेसबुक की एप्लीकेशन या फिर व्हाट्सएप वगैरह की बाद में इंस्टॉल करते हो, तो ये MS Excel हो गया। तो जो भी चीज़ें बाद में इंस्टॉल करते हो उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये सिंपल सा आइडिया लगाने का है, अगर यूटिलिटी आपको बोला है तो तीनों चीज़ें पहले से हैं, चौथी नहीं है, तो अपना आंसर हो गया MS Excel। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है। देखिए, इनपुट और आउटपुट में आपको फ़र्क क्या करना है।
स्कैनर, स्कैनर का मतलब हुआ कि स्कैन कर रहा है, कंप्यूटर स्कैन कर रहा है किसी चीज़ को, मतलब वो अपने अंदर लेगा उसको, स्कैनर हो गया। स्पीकर मतलब कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है। बार कोड रीडर मतलब रीड कर रहा, मतलब वो इनपुट ले रहा है। कीबोर्ड, कीबोर्ड से भी हम कंप्यूटर को इनपुट ही देते हैं। तो इनमें से चारों में से आउटपुट वाली डिवाइस कौन सी होगी जिससे कि कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से बाहर जा रही है, स्कैनर से अंदर आ रही है, बार कोड रीडर से भी अंदर आ रही है, कीबोर्ड से भी अंदर आ रही है। तो अपना आंसर क्या होगा, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग विषय वस्तु संपादक, हिंदी में बोलेंगे, प्रोग्राम है और इसका उपयोग सामान्य टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने के लिए किया जाता है। अब इसमें आप ऑप्शन देखो, संगणक, संगणक तो कंप्यूटर को भी बोलते हैं, ये नहीं हो सकता। सेकंड है अपना नोटपैड, तो नोटपैड में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, नोटपैड में आप टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। बाकी और आगे वाले एड्रेस पुस्तिका, ये नहीं होगा, ये पेंट प्रोग्राम है, पेंट लिखा हुआ है, सॉरी। तो अपना आंसर होगा नोटपैड। एट नंबर पे है, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर एक लंबा सा बार देखते हैं, वह है डैश डैश कहलाता है। यहाँ पे आप बार का मतलब समझना, जो भी रेक्टेंगल शेप मतलब आयताकार शेप में जो भी चीज़ होती है वो बार होती है, जैसे अपनी चॉकलेट बार होती है। तो ये अपनी स्क्रीन है, इसमें नीचे नीचे एक ये बार दिख रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी। इस बार को क्या बोलते हैं, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। इसमें अपने कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम करंट में रन हो रहे हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कमांड वाला हमने ओपन किया था, ये फ़ोटो, तो ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। अब जो यहाँ पे मैंने पिन कर रखा है फायरफॉक्स और ये चीज़ें पिन कर रखी है, मतलब यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इस पर क्लिक करके ही चालू कर सकते हैं। तो ये भी हम टास्क बार में ऐड कर सकते हैं, तो ये अपनी टास्क बार होगी। और ऑप्शन क्या है, टाइटल बार, टाइटल बार ये ऊपर वाली आती है जिसमें टाइटल लिखा हुआ होता है। ठीक है, फिर आता है मेन्यू बार, मेन्यू बार इसके जस्ट नीचे आती है, ये मेन्यू है यहाँ पे। और स्पेस बार, स्पेस बार अपनी कीबोर्ड में आती है, वो सबसे लंबी वाली की, उसको स्पेस बार बोलते हैं। इनमें सब में लास्ट में बार लिखा हुआ है, बार मतलब आयताकार शेप में। तो अपना आंसर हो गया टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एक भाषा जो 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है कहलाता है, तो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे 0 और 1 का मतलब सिंपल ऑन एंड ऑफ ही होता है, 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो ये मशीन की लैंग्वेज होती है कि मशीन या तो ऑन होती है या ऑफ होती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर कोई नहीं, ये नहीं होंगे। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एक पॉइंटिंग युक्ति उपकरण है, पॉइंट करने वाली युक्ति कौन सी है, कि इशारा कर रही है कि अंगुली कर रही है उस तरफ, वो कौन सी है। तो ये युक्ति अपनी माउस है, प्रिंटर प्रिंट देता है, स्कैनर स्कैन करता है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। पॉइंट करने वाली, जैसे अभी तीर का निशान है मैंने यहाँ पे किया, तो ये अंगुली वाला निशान आ गया, ये अंगुली करने वाली मतलब पॉइंट करने वाली ये माउस ही है, तो इसको बोलेंगे हम माउस, अपना आंसर होगा। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे कीबोर्ड शो करता हूँ, जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नेविगेशन कीज बोलते हैं। नेविगेशन मतलब दिशा निर्देश करने वाली, ये रही अपनी नेविगेशन की, ऊपर नीचे दाएं, सॉरी बाएं और दाएं, ये अपनी नेविगेशन कीज कहलाती है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजी इनको बोलते हैं, यहाँ पे F1 से लेके F12 तक, F12 तक, या फंक्शन कीज हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन की, ये अपना आंसर है, ये मैंने बताया है। टाइपराइटर की, वो तो टाइपराइटर पे आएगी। स्पेशल पर्पज की, स्पेशल पर्पज कीज कौन सी होगी, ये रही जो एक्स्ट्रा है ना, कि स्क्रीनशॉट लेना है, होम हो गया, एंड हो गया, इस तरह की कीज इनको स्पेशल पर्पज कीज बोलते हैं।
ठीक है, तो अपना आंसर होगा नेविगेशन की। कंप्यूटर मेमोरी की गति का सही क्रम तेजी से धीरे है कि किसमें स्पीड ज़्यादा होती है? ये यहाँ पे कैपेसिटी की नहीं पूछ रहा कि किसमें ज़्यादा मेमोरी हो सकती है, ये स्पीड की पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड अपनी होती है रजिस्टर की। यहाँ पे अपने को रजिस्टर पहले दिखे तो ये रहा ऑप्शन, और किसी में है नहीं। रजिस्टर के बाद में होती है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, और सबसे कम स्पीड होती है हार्ड डिस्क की। तो अपना सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कटकर उसे म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं, तो आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट से कट करके म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। अपने पास ये म्यूजिक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स में से कट करना है। ये अपनी रिकॉर्डिंग है, इसको मैंने यहाँ से किया कट और म्यूजिक फोल्डर में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब होता क्या है, म्यूजिक फोल्डर में वो फाइल आ गई। अब डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं वहाँ पे है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। तो यही अपने को आंसर में लिखना है। आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, ये अपना सही है। अब यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाता हूँ। एक तो होता है कट, दूसरा कॉपी, तीसरा होता है पेस्ट। ठीक है, तो कट तो मैंने अभी करके दिखा दिया। आप कॉपी, जैसे ये ए पावरसॉफ्ट है, इस फोल्डर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको म्यूजिक वाले में पेस्ट कर दिया, तो वो फोल्डर कॉपी हो गया, मतलब वो वहाँ भी है और दूसरे फोल्डर में भी आ गया। म्यूजिक वाले में आ गया अपने पास ए पावरसॉफ्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो ये यहाँ पे भी है। ये तो हो गया कॉपी, कट करना मैंने अभी बताया था। और पेस्ट बोलते हैं कट और कॉपी के बाद की नेक्स्ट स्टेप को। जैसे डॉक्यूमेंट में यहाँ से कॉपी किया, फिर म्यूजिक में आके हम इसको पेस्ट करते हैं, उस स्टेप को पेस्ट बोलते हैं। कट करते हो उसके बाद में भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करते हो उसके बाद में भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो कट, कॉपी और पेस्ट के बीच में अस्थायी रूप से जो भी अपना डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड के अंदर रहता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कट करने के बाद में कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाता है, तो वो क्लिपबोर्ड में जाता है। इसको आप याद रखना। तो अपना आंसर होगा आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का विस्तृत रूप होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अपना पहला आंसर सही है। फिर नेक्स्ट आंसर आते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी बोलते हैं। डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क दोनों बोलते हैं। मैक्सिमम ये यूज किया जाता है। अगर यहाँ ये ऑप्शनल नहीं होता और आपको लिखना पड़ता, भाई आपके पास चार ऑप्शन नहीं होते, सिर्फ आपको पेन से लिखना है, तो आप इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ही बोलते हैं। साथ में डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोला जाता है। तो अपना आंसर होगा वन और टू दोनों। एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। अब डिफ़ॉल्ट व्यू में आपको समझा देता हूँ। हम ओपन करते हैं एमएस वर्ड। अब जो ये अपना व्यू है इसको कौन सा व्यू बोलेंगे? व्यू आता है आपका यहाँ पे नीचे स्टेटस बार पे, ये इस तरफ जो दिख रहे हैं ये सारे व्यू है। तो डिफ़ॉल्ट व्यू अपना कौन सा है? पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला है, इससे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मतलब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, इस फॉर्मूले से आप वर्ड में लिख सकते हो। उस फॉर्मूले में था इज इक्वल टू आर एन डी ब्रैकेट, फिर पहले तो आएगा आपका कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, फिर कोमा लगा के आप एक पैराग्राफ में कितनी लाइन होनी चाहिए। तो मैंने 53 पैराग्राफ लिखे हैं, इसमें एक प्रोग्राम में 4-5 लाइन है जो समय सेम आ रही है। चलो वो अलग बात है, हमें व्यू देखना है। तो जब मैं माउस का कर्सर यहाँ पे लाऊंगा तो अपने को ये बता देगी कि कौन सा व्यू है। तो ये अपना प्रिंट लेआउट व्यू है, इसमें शो नहीं हो रहा, लेकिन नेक्स्ट वाला अपना फुल स्क्रीन व्यू, इसके आगे है वेब लेआउट, ये शो करने लग गया कि ये वेबसाइट पे इस तरह से दिखेगा।
उसके जस्ट आगे आउटलाइन व्यू और लास्ट में अपना ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है वो अपना डिफ़ॉल्ट व्यू था, मैंने इसको ओपन किया तो प्रिंट लेआउट व्यू में अपने आप को ये डॉक्यूमेंट दिखाई देता है, मतलब जब हम प्रिंट करेंगे तो इस तरह का आएगा। अगर हम वेबसाइट में देखेंगे तो ये वेब लेआउट है कि वेबसाइट में ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल वही वर्ड में आते हैं, ये यहाँ से फॉन्ट है, ये आसपास ये फॉन्ट वाला ग्रुप है, तो इसमें इसको मैंने सेलेक्ट किया, बोल्ड है ये फॉन्ट है, इटैलिक है ये फॉन्ट है, अपने को ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर, ये रेगुलर भी फॉन्ट ही है, इसमें आता नहीं है लेकिन इसको हम फॉन्ट ही बोलेंगे, और लास्ट में अपने को दिया हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दो चीज़ें होती हैं, ये रही सुपर स्क्रिप्ट में ये घात में चल जाता है पावर में, और सब स्क्रिप्ट में ये नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले लिखे जाते हैं ना H2O, तो टू नीचे आता है ना, तो ये उसको बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट, और एक ही पावर टू पावर में चला जाएगा तो उसको बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ये फॉन्ट शैली नहीं होती है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट है। ये अपने को एक्सटेंशन के बारे में पूछ रही है, जैसे एक्सेल की फाइल होता है उसका एक्सटेंशन अलग होता है, अपने को पता लगाना कि वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे हमने ये फाइल बना ली, अब हम इसको सेव कर देते हैं, इसको सेव कर दिया मैंने, जैसे 123 नेम से सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ये सेव हो गई, ये आ गई अपनी फाइल, हमें इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, ये लास्ट में अपना एक्सटेंशन कौन सा है, ये आ गया अपना डॉक एक्स, तो अपना आंसर क्या होगा, डॉक एक्स, वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन डॉक एक्स होता है। अब इसी तरह से मैं आपको, ये इमेज फाइल है, इसका आपको एक्सटेंशन देखना है तो ये नाम में दिखा देगा, ये रहा आइटम टाइप JPG लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी में जाके आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देख सकते हो, ये रहा .jpe, मतलब एक तरह से सरनेम हो गया, जैसे हमारा सरनेम होता है शर्मा चौधरी वगैरह, तो ये एक्सटेंशन हो गया, तो वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है docx। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए उपयोग करेंगे डाउन एरो की, डाउन एरो की मैं प्रेस कर रहा हूं तो उससे नीचे आते हैं, एंड कुंजी, एंड कुंजी ये रही अपनी एंड कुंजी, एंड कुंजी डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में जा रहे हैं, मैं होम दबाता हूं तो फर्स्ट में, एंड दबाता हूं तो लास्ट में। अभी यहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है, रीज़न क्या है, ये वेब पेज के बारे में नहीं पूछ रहा है। अगर आप, मैंने ये वेबसाइट में पेज ओपन कर रखा है, इसमें एंड दबाऊंगा तो इस वेब पेज के लास्ट में ले जाएगा, जैसे मैंने एंड दबाया तो लास्ट में ले गया, होम दबाया तो फर्स्ट में ले आया। ठीक है, लेकिन ये बात करें अपनी डॉक्यूमेंट के बारे में, तो डॉक्यूमेंट अपना ये रहा, ये अपनी वर्ड की फाइल ही, यहाँ पे अपना कर्सर है, हमें दबाता हूँ एंड, तो एंड दबाता हूँ तो ये अपनी लाइन के लास्ट में लेके जाता है, और होम दबाता हूँ तो लाइन के फर्स्ट में ले जाता है, ये अपने को डॉक्यूमेंट के लास्ट में नहीं लेके जाता, इसके लिए हमें कंट्रोल साथ में दबाना पड़ेगा, कंट्रोल एंड दबाएंगे तो ये अपना लास्ट पेज पे आ गया, इसके आगे कोई पेज नहीं है, और कंट्रोल होम दबाएंगे तो ये फर्स्ट पेज पे आ गया। तो अपना क्वेश्चन कहता एमएस वर्ड में, एक सेकेंड, ये डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए, तो इसका आंसर होगा अपना कंट्रोल प्लस एंड कुंजी, यहाँ पे ज़्यादातर गलती करते हैं कि एंड कुंजी को दबा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कंट्रोल प्लस एंड कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में शब्दों के नीचे लाल रंग की तरंगित रेखा खाली स्थान को दर्शाती है। ओके, इसका आंसर होगा वर्तनी, अपनी अगर स्पेलिंग गलत होती है तो वो रेड कलर में दिखाई देती है, जैसे पैराग्राफ है यहाँ पे मैंने लिखा इंडिया, इंडिया ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग में गलत कर देता हूँ INDAI, तो ये
स्पेलिंग गलत होगी तो यहाँ पे नीचे रेड लाइन आ गई। तो ये रेड लाइन होती है अपनी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, मतलब वर्तनी मिस्टेक क्या लिख रखा है इसमें, वर्तनी में अशुद्धि के लिए, ठीक है। दूसरा है व्याकरण की अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि के लिए ग्रीन लाइन आती है। जैसे मैं लिखता हूँ आई गोइंग टू स्कूल, अभी यहाँ पे अपने को व्याकरण की मिस्टेक है क्योंकि आई के साथ एम आता है, तो गोइंग के नीचे ग्रीन आ गई लाइन, मतलब यहाँ पे अपने कुछ ग्रामर में मिस्टेक की है। अब मैं इसको सही करता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे कोई गलती नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत करते हैं तो रेड आता है, और ग्रामर की गलती होती है तो ग्रीन आता है, ठीक है। इसको सही कर देते हैं तो अपना आंसर हो गया वर्तनी में अशुद्धि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप से परिविष्ट है। फॉर्मूला आ गया तो मतलब एक्सेल ओपन करते हैं। देखो फॉर्मूले की सबसे पहली बात होती है कि फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू के साइन से, ठीक है। अब इसमें मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ, अपना आंसर सही होगा ये, रीजन इक्वल टू का साइन है, सम अपना फॉर्मूला है, ए वन ये सेल का एड्रेस है, जो बीच में जो निशान है अपना कोलन का, और ये टू या फिर हिंदी में से ए वन से ए दस तक हमें सम करना है। अब इस तरह का यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सम ठीक है, इक्वल टू का निशान है, लेकिन रेंज नहीं दे रखी, ए वन ए टेन कर रखा है। यहाँ पे ये निशान पहले आ गया ये साइन, और लास्ट वाले में तो ये जहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू का निशान ही नहीं दे रखा, तो ये इस तरह से। अब इसको मैं कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, ए वन से ए टेन, ये ए वन और ये ए टेन, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू सम ए वन ए वन, इसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, ए वन सेमी कोलन का मतलब हुआ से ए टेन, ये कोष्ठक आप बंद कर दो और इंटर। तो ए वन से लेके ए टेन तक का टोटल होता है 55, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला ठीक है, तो 20 का आंसर होगा इज इक्वल टू सम ए वन टू ए टेन। यदि आप डॉक्यूमेंट को चेड़े चेड़े नहीं यहाँ पे चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का उपयोग करेंगे। चौड़े मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, तो ओरिएंटेशन अपने पास सिर्फ दो तरह का होता है। जैसे मैं आपको इस पेज में दिखाता हूँ, पेज लेआउट ओरिएंटेशन, एक तो होता है पोर्ट्रेट मतलब जिसकी हाइट ज़्यादा हो अगर अपने पेज की, और लैंडस्केप चौड़ा लेना है तो लैंडस्केप मोड में चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे इसका आंसर लैंडस्केप। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये भी सेम ही है, लेकिन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट नाम लेते हैं तो यही होता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा और आड़ा, तो ये अलग चीज़ है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट अलग चीज़ है, ठीक है। तो अपना आंसर होगा लैंडस्केप। 22 नंबर, एक फर्तक शीट के सेल से आंकड़े को प्राप्त करना कहलाता है। जैसे ये अपने पास एक्सेल है, ये अपनी शीट हो गई, ये शीट नंबर टू, अभी मैंने कुछ भी एक्सरसाइज लिख दिया। अब यहाँ पे कोई डेटा है, इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को। अब यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है एक्सेसिंग नहीं बोलेंगे, अपडेटिंग नहीं बोलेंगे, फंक्शनिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेफरेंसिंग। मतलब एट नंबर है, इसमें हम रेफरेंस देंगे शीट नंबर टू के किसी भी रिजल्ट का, यहाँ पे कोई भी डेटा लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास इंडिया का नक्श यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान, ठीक है। अब शीट नंबर टू में हमने यहाँ पे इंडिया का मैप बना रखा है इस सेल पे या फिर इतनी दूर में, अगर इंडिया के मैप में हम राजस्थान को दिखाना चाहते तो यहाँ पे हम इसका रेफरेंस दे देंगे कि शीट नंबर टू में नक्शा बना हुआ है वहाँ पे राजस्थान है, या फिर राजस्थान की कोई डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है तो
शीट नंबर टू पे हम वो डिटेल दे देंगे तो उसका रेफरेंस देख लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, तो पॉपुलेशन की डिटेल शीट नंबर टू में यहाँ पे मिल जाएगी, तो हम उसका रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसको हम रेफरेंसिंग बोलेंगे। यहाँ पे जल्दबाजी में हम रेफरेंसिंग को रिफ्रेशिंग पढ़ लेते हैं और एक्सेसिंग को हम अपना ऑप्शन चूज कराते हैं कि यहाँ एक्सेस करना है दूसरे सॉरी सीट से, तो यहाँ पे ध्यान देना इसमें रेफरेंसिंग बोलते हैं, इसको रिफ्रेशिंग पढ़ते ही ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर आप ये चूज नहीं करोगे, फिर एक्सेसिंग चूज करोगे, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है, रेफरेंसिंग अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल शीट के चयनित अंश सिलेक्टेड भाग को किस प्रकार प्रिंट करेंगे। ये रहा अपना एक्सेल, अब मुझे प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना मुझे एक सिर्फ ये लाइन प्रिंट करनी है, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर जाऊँगा प्रिंट, फिर यहाँ पे सेटिंग में पूछ रहा है कि प्रिंट क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे चूज करना है प्रिंट सिलेक्शन, जो मैंने सिलेक्शन चूज किया है उसी को प्रिंट करना है, बस यही चीज़ आपको यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने पास पूरा नहीं है, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है, अगर आप बीच में से कोई एरिया सिलेक्ट करोगे उसी को प्रिंट करना है, तो वो वहाँ से वो सेटिंग से वही एरिया प्रिंट होता, ठीक है। तो अपना आंसर होगा प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इस तरह का निशान क्या इंगित करता है, हैशेस, फॉर्मूला गलत है, इस तरह की नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, जनरल की जगह मैंने सेलेक्ट किया नंबर, ठीक है, इस सेल में लंबा थोड़ा नंबर लिख दिया, कुछ नहीं आ रहा, उसको और ही बड़ा करता हूँ, फिर गया मैं नेक्स्ट सेल में, इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा तब भी नहीं आ रहा। अब मैं इसको छोटा करता हूँ, अब क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने जैसे ही इस कॉलम की चौड़ाई बढ़ाई तो इसमें स्पेस खूब हो गया, ये सारा शो हो रहा है, और जैसे मैंने इसको कम किया तो ये हैश दिखने लग गया इस तरह से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पेस कम है शो करने के लिए। तो हम इस तरह का कोई ऑप्शन देखते हैं, इसमें कौन सा दिया हुआ है, फॉर्मूला गलत, सेल की सामग्री बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, तो ये अपना सेकंड नंबर का आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, ये अपना पावर पॉइंट है, इसमें प्रत्येक पेज मतलब ये पेज है, इसको क्या बोलेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से नया पेज ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है न्यू स्लाइड, पेज नहीं लिखा हुआ रहा है, कोई सा भी चूज कर सकते हो। तो ये जो पेज ऐड किया है इसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या बोला जा रहा है, स्लाइड, तो अपना आंसर क्या होगा, स्लाइड। ये 26 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को कहते हैं, ये अपनी स्लाइड है, मैंने ये ऐड करके दिखा देता हूँ, ये है, इसमें यहाँ पे पिक्चर ऐड की मैंने कोई डाउनलोड्स में, ये रही, तो इसमें विशेष इफेक्ट डालने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन का, देखो ये इस तरह से आया, वाइफ वाला करेंगे तो इस तरह से, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्लाइड प्रस्तुति के लिए किया जाता है, तो स्लाइड प्रस्तुति के लिए एमएस पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 28 नंबर, एमएस पावर पॉइंट 2010 में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसको सेव कर लेते हैं, एक्सटेंशन का पता चल जाएगा, सेव, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ मैं, ये ना, ये अपनी फाइल आ गई प्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, ये एक्सटेंशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, PPT.exe, तो अपना आंसर क्या होगा, PPT
डॉट एक्स, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेजेस देखने के लिए किया जाता है? ये भी मैंने जो आप क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज ओपन कर रखी है, ये किस में ओपन कर रखी है? गूगल क्रोम में। और गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है, ठीक है। तो ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे नीचे अपने पास ऑप्शन में ब्राउजर्स के नाम दे रखे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी एक ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउज़र है, सफारी है जो एप्पल की डिवाइस से जाती है उसमें सफारी ब्राउज़र आता है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? सेम से क्वेश्चन है 29 और 30। तो ये अपना हो गया मोजिला फायरफॉक्स। नेटस्केप नेविगेटर ये भी एक प्रकार का है। इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं, शिक्षा एजुकेशन वाले सारे काम अभी हो ही रही है, शिक्षा वाला काम हो रहा है, खरीदारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी। अवांछित और अनचाही ईमेल कहलाती है, अवांछित लिखा हुआ, अवांछित और अनचाही ईमेल आपकी स्पैम कहलाती है। जंक भी अवांछित, जैसे मार्केटिंग वाले होते हैं ना, मेल करते रहते हैं तो वो जंक में आती है। और मतलब लेकिन इसका ऑप्शन स्पैम होगा, क्योंकि जंक स्पैम के अंदर ही आ जाती है। फ्लेम मतलब आप नफरत भरा कोई ईमेल, गाली गलौज वगैरह कुछ है, तो उस मेल को हम फ्लेम मेल बोलते हैं। तो अपना आंसर हो गया स्पैम। 34 है, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति मतलब स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है? पहला है फ्लॉपी डिस्क, ये तो MB में होता था, ये तो नहीं होगा। DVD, CD-ROM, DVD और CD में DVD की मेमोरी ज़्यादा होती है, DVD 4.7 GB होती है और CD होती है अपनी 4 MB। फिर आता है DVD-RW, DVD-RW का क्या मतलब हुआ? ऊपर DVD लिखा हुआ है, नीचे DVD और ये RW, जो ऊपर DVD लिखा हुआ है उसके आगे R लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली हम उसका यूज नहीं करते, मतलब DVD-R नहीं लिखते हैं, उसको सिर्फ DVD लिखते हैं। और जो नीचे DVD-RW लिखा हुआ है उसका क्या मतलब होता है? तो इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। DVD-R का मतलब होता है DVD रिकॉर्डेबल, इसको हम सिर्फ DVD ही लिखते हैं, R नहीं लिखते हैं। और DVD-RW का मतलब होता है DVD रीराइटेबल, मतलब उसमें दोबारा राइट कर सकते हैं। तो सिंपल DVD की मेमोरी होती है 4.7 और रीराइटेबल DVD-RW की मेमोरी होती है 4.7। यहाँ पे तो दोनों इक्वल होगी, लेकिन इसमें फ़र्क क्या हुआ? जो अपनी DVD होती है उसको हम डबल लेयर में भी यूज कर सकते हैं, डबल लेयर में यूज करते हैं तो उसकी मेमोरी कैपेसिटी हो जाती है 8.5 GB तक, लेकिन DVD-RW को हम 4.7, मतलब उसको राइट कर लिया फिर मिटा दिया दोबारा राइट कर लिया तो रीराइटेबल होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते हैं, वो 4.7 GB ही होगी। अब DVD को हम दोनों साइड से भी यूज कर सकते हैं, तो 4.7 × 2 9.4 GB तक की मेमोरी DVD की हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अपना DVD, बस इसमें कमी ये है कि इसको हम रीराइट नहीं कर सकते, दोबारा इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते, एक बार कुछ सेव कर लिया बस सेव कर लिया, उसको मिटा के दूसरी चीज़ सेव नहीं कर सकते, जबकि DVD-RW में ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी 4.7 GB तक लिमिटेड है। लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया, इसको हम बूटिंग बोलते हैं। भाई हमने कंप्यूटर का पावर बटन दबाया और कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, उस बीच की प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। तो अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है, मतलब अपने को आता भी है लेकिन हमने टिक लगाना तो नहीं छोड़ दिया है। जब मैंने सारा पेपर चेक कर लिया, सबके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, अब हम इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट, अब ये सबमिट करते टाइम पे आपको यहाँ पे एक कैप्चा इमेज पूछेगा, इसका रीज़न इतना है कि कैप्चा इमेज अगर आप सही कर भर दोगे इसमें तो इसकी कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे चली जाएगी, ठीक है।
स्टेट्स मतलब सीडिया पूछ रहा है, इसमें सीडी है, इसमें है, इसमें है, और किसी इमेज में हमें सीडिया नहीं दिखाई दे रही तो वेरीफाई करते हैं। हो गया, ये सबमिट हो गया। यहाँ से आप अपना स्कोर देख सकते हैं।